हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 10 साल की बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर सा प्लाजो टॉप है। फ्रील वाला है, ये अम्ब्रेला टॉप है। तो ऊपर की पहले हम बॉडी का जो पार्ट होता है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है, देखिए 11 इंच में ब्लाउज की लंबाई ले रही हूँ। कपड़े को 4 फोल्ड में करके अच्छे से उसे बिछा लेंगे और उसके बाद पहले अपना लंबाई का मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच और आर्म होल 4.5 इंच है। ये 10 साल की बच्ची का है तो मेजरमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बॉटनेक बना रही हूँ मैं, इसलिए 3 इंच का गला ले रही हूँ। आगे का 6 इंच गला है, थोड़ा आगे में डीप है तो उसको हम मार्किंग कर लेंगे। पान के पत्ते का हल्का सा शेप दे देंगे इसको गुलाई से, थोड़ा सा गुलाई करते हुए। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस ड्रेस का फाइनल लुक भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो फुल ज़रूर देखिएगा। हमारी कमर की फिटिंग है 24 इंच, तो 24 का हाफ कर लेंगे हम, चौथाई 6 इंच आएगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। चेस्ट और कमर सेम नाप है तो इसको हम इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे हम। उसके बाद इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। आराम से हम गले को निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए हमारा गले का फाइनल लुक, और ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी भी गले की कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच चौड़ाई रखेंगे, नीचे की तरफ गहराई 2 इंच रखेंगे और इसको भी गुलाई दे देंगे। पीछे का पार्ट बॉटनेक की तरह रहेगा शॉर्ट में, तो इस तरह से ये गले का कुछ इस तरह लुक आएगा। फ्रंट में डीप है, बैक से बंद है थोड़ा। अब इसमें हम डॉट के लिए पॉइंट बना लेते हैं। इस तरह से जहाँ तक हमारी फिटिंग है वहाँ से फीता को रखते हुए सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और वहाँ से 1/2 इंच का डॉट निकाल लेंगे। ऊपर 4 इंच लेंगे हम, इस तरह से क्रॉस लाइन एक लगा देंगे। ये हमारी आगे और पीछे दोनों तरफ डॉट आएगी, इससे फिटिंग अच्छी आती है। छोटा कट लगा के मार्किंग कर लेंगे। अब मैं मेन फैब्रिक निकालती हूँ। ये ड्रेस मैं चुन्नी से बना रही हूँ, इसकी जो दोनों तरफ की जो पिको वाली भाग है अच्छे से इसको 4 फोल्ड करते हुए ये पिको वाली भाग को हम निकाल लेंगे पहले 4 इंच के लगभग। इसे मैं चुन्नी में दोनों तरफ फ्रिल बना के दिखाऊंगी आपको लास्ट में। अब यहाँ से हम ये 4 फोल्ड में हैं तो एक ही बार में हमारी दोनों पार्ट निकल जाएगी आगे और पीछे का, तो ओनली आर्म होल बस कटिंग करेंगे, गला नहीं निकालेंगे। गला एक साथ नहीं कट कर सकते क्योंकि अस्तर का कटिंग हो चुका है, तो अलग अलग पार्ट करके इसको हम निकाल लेते हैं। अब जो हमारे बाकी के जो कपड़े हैं उसमें से चुन्नी निकाल के और दूसरी साइड का भी जो पिको वाली पार्ट है उसको भी निकाल लेते हैं, सेम बराबर मिलाते हुए। यही पार्ट हम चुन्नी में डिजाइन देंगे। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
अच्छे से पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे हम। इसको चार बार फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से सीधे कपड़े को चार बार फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि ये चौथाई भाग में आ जाएगी, चारों कॉर्नर होंगे। आप किसी भी कॉर्नर से उसका कमर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं जो बॉडी पार्ट है हमारा उसको वहाँ पर रख के एक कोने के पास और निकाल रही हूँ, जिस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करके, फिर इसको हल्की सी गोलाई दे देते हैं। अब इसका लेंथ निकाल लेंगे, जैसे कि 15 इंच मुझे लेना है नीचे का घेरा, इसको ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन पकड़ लेंगे और इसको हल्की सी गोलाई लगा देंगे, क्योंकि पूरा क्रॉस करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको हल्का गोल कर लेंगे। अब ठीक 15 इंच के ऊपर गोलाई लगा लेंगे हम इस तरह से, कोने के पास से टेप रखते हुए बराबर गोलाई लगा लेंगे हम निशान, एक बराबर निशान लगाएंगे इस तरह से। इसमें फ्रिल बहुत ही अच्छा आता है अम्ब्रेला, आप चाहे गाउन बनाइए, लहंगे बनाइए या फिर टॉप बनाइए, इस मेथड से अगर आप कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी उसकी फ्रिल आती है नीचे की घेरा। ये हमारा गाउन का जो नीचे का फ्रिल है वो कटिंग हो चुका है, ये 4 लेयर में है, इसको खोल के इस तरह करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छी इसकी जो घेरा है ना, बहुत ही चुनटी आएगी नीचे, बहुत ढीला होती है ये, काफ़ी घेरे आते हैं इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो। अगर वही हम कॉर्नर से फोल्ड करके निकालते हैं तो उसका फ्रिल इतना अच्छा नहीं आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। ये रहा इसका फाइनल लुक इस ड्रेस का, तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी कम